खबर से आपको आगाह करें समुद्री से, जहां सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के करीब से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है, जबकि अस्पताल इंतजामिया वाकये से बेखबर है। आपको अपडेट करें समुद्री से, जहां सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के करीब से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है, जबकि इंतजामिया वाकये से बेखबर रही। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हई सुबासी से। अब्दुल हई बताइएगा, पता चल सका कुछ इस मामले का, अस्पताल इंतजामिया क्या कह रही है? जी बिल्कुल, ये समुंदरी का सिविल अस्पताल है जहां इमरजेंसी के करीब से नौमलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है, जिसको इंतजामिया की जानब से काफी कोशिशें की गई, लेकिन सिटी रंग न्यूज समेत मुख्तलिफ निजी चैनल्स के नुमाइंदों ने वहां जाकर अपनी सहाफती जिम्मेदारी अदा करते हुए एमएस सिविल अस्पताल समुंदरी के नोटिस में दिया, तो उनका इस बात पर मौकफ था कि मुझे इसका इलम नहीं, ये बच्चा कोई बाहर से आकर फेंक गया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि समुंदरी सिविल अस्पताल में ये कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी सैकड़ों ऐसे वाकया रूनमा हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानब से हमेशा सब अच्छा है का ही चूरन बेचा जाता है। अस्पताल में सिक्योरिटी ना होने के बाद अस्पताल का कीमती सामान चोरी करके सरकार को लाखों का चूना लगाया जा चुका है। समुंदरी के शहरियों ने सीओ हेल्थ और मुतलका अदारों से मुतालबा किया है कि समुंदरी सिविल अस्पताल में सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए ताकि ऐसे वाकया से बचा जा सके। जी